हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे प्रश्न दिया दोस्तों सेकेंड का संबंध समय दिया है, तो उसी प्रकार से एम्पियर का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे चार का संबंध लिखा है 64, तो 6 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को प्रश्न मिलेगा, यदि एक्स जो है वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, डब्लू जेड का पिता है, भी जेड का पति है, तो डब्लू का भाई एक्स का डैश होगा, नीचे चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 48 है, जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएससी, आईडीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसपी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों ऑल एग्जाम, यानी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, सेकंड का संबंध लिखा है समय, तो उसी प्रकार से एम्पियर का संबंध क्या होगा। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, एस आई मात्रक, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एस आई मात्रक। तो एस आई मात्रक क्या होता है, आपको पता है कि समय का एस आई मात्रक क्या होता है दोस्तों, सेकेंड होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी जिस प्रकार से समय का एस आई मात्रक सेकेंड होता है, उसी प्रकार से विद्युत धारा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या हो जाएंगे, एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा बेसिक बात को समझिए कि समय का एस आई मात्रक सेकेंड है, तो विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आएगा, विद्युत धारा का एस आई मात्रक एम्पियर होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अंत तक बने रहिएगा। ये देखिए जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला यानी सीरीज को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले जैसे 4, उसके बाद R कोमा, उसी प्रकार से 7, फिर लिखा है दोस्तों P कोमा, उसी प्रकार से आगे देखा जाए 10, और यहाँ पर लिखा है N कोमा, उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो 13 L, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, सबसे पहले अंक से अंक पे चलते हैं, 4 से इस पे जाएंगे तो इस पे कितना किया है दोस्तों, उसने +3 किया है। 7 से यदि 10 पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। उसी प्रकार से 10 से यदि इस पे चल जाएंगे तो +3 कर देंगे, और यहाँ से हम लोगों का इस पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, 16 आ जाएगा। तो 16 तक तो आए, लेकिन इसके बाद अब लेटर को भी देखना होगा, आर से यदि आप पी पे जा रहे हैं तो कितना लेटर का कमी हुआ है, यानी 2 लेटर का। उसी प्रकार से इससे आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका 2 लेटर का कमी क्या, उसी प्रकार से इस पे जाएंगे तो 2 लेटर का कमी कर दिया, यानी सब में इधर क्या क्या है, लेटर जितना भी है तो सब में 2-2 लेटर का कमी कर दिया। उसी प्रकार से एल में आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर का कमी कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो 16 और जे होगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यानी श्रृंखला सीरीज आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृति में विषम आकृति का चयन करें। विषम का मतलब है कि 4 में से 3 क्या है दोस्तों, समान है, एक अलग है, तो इनमें से कौन सा एक अलग आकृति है, उस बात को आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर इसके अंदर में देखा जाए तो क्या है दोस्तों, 2, यानी कि एक तरीके से देखा जाए 2 गोले का निशान, इसमें क्या है 2 गोले का निशान, देखिए ना, इस तरीके से और इस तरीके से 2 गोले का निशान। इसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो 2 इस तरीके से गोले का निशान है,
उसी प्रकार से इसमें क्या है दोस्तों, दो गोले का निशान है, लेकिन इसमें क्या है एक पेंट किया हुआ भाग है और एक ही है, तो ये वाला आकृति सही होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ये वाला आकृति डी। अब डी को देखिए किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा, आकृति डी सही हुआ। तो डी को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा। तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, बस आपको समझना है कि दी गई आकृति में विषम आकृति का चयन गलत, विषम का मतलब होता है चार में से तीन समान है एक अलग है, तो अलग कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो आकृति इस तरीके से हम लोगों का दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता को दर्शाता है, यानी एक तरीके से जैसा ये वाला फिगर दिया वैसा ही ए में दिखना है, बी में दिखना है, सी में और डी में, इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि जिस तरीके से आकृति उसने दिया है ना वैसा ही आकृति हमको लेना है, तो एकदम समानता, जैसे देखिए जैसे उसने यहाँ पर जो किया हुआ है एकदम कौन इस पे लगा हुआ है, तो उसको देखिए बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देंगे ए वाला सही कर देगा तो सरासर गलत होगा, बी तो वैसे भी दूर दूर तक नहीं नाता रख रहा है, तीसरा वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए जैसा यहाँ पर ये वाला आकृति पे इसका टच कर रहा है तो वैसा ही इसका ये वाला आकृति पे क्या हो रहा है दोस्तों, टच कर रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिए ये वाला आकृति पे टच कर रहा है, बाकी तो ये होबे नहीं करेगा, तो सी वाला आकृति हुआ और सी को देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में रखा है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना, आकृति सी सही हुआ, तो सी को किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझना होगा और देखना होगा किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न आ गया दोस्तों चार का संबंध लिखा है यहां पर 64, जैसे चार का संबंध क्या दिया है 64, उसी प्रकार से छः का संबंध क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि चार का संबंध क्या लिखा है 64, अगर बहुत छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर वो कर रहा है तो या तो वो क्या क्या होगा स्क्वायर क्या होगा, या तो क्यूब क्या होगा, या किसी संख्या से क्या होगा, क्या क्या होगा दोस्तों, गुना क्या होगा। तो देखिए चार से इस पे जाने के लिए उसने क्या कर दिया है, सीधा सा आपको पता है कि चार का अगर हम लोग क्यूब कर दें तो चार का क्यूब क्या होता है दोस्तों 64 होता है, यानी कैसे, तो आपको पता है कि चार को तीन बार गुना कर देंगे, चार अगुना चार अगुना क्या हो जाएंगे दोस्तों 4, तो आपका क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसने कैसे 64 लिखा हुआ था, उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आप ध्यान देंगे, जैसे इस 6 को लिखना है तो आप क्या करेंगे 6 का क्यूब कर देंगे, जैसे ही 6 का क्यूब करने जाएंगे तो 6 गुना 6 अगुना 6 तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 216 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा 216 आएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा, अगर बहुत छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर दिया या तो स्क्वायर क्या होगा या तो क्यूब क्या होगा, इस तरीके से आपको सोचना होता है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न यह गया सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि धूल को हवा और हवा को हम लोगों का पानी कहा जाए और पानी को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को किताब कहा जाए और किताब को कलम कहा जाए तो हम लोग क्या चीज़ पीते हैं। तो हम लोग देखिए अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हम लोग क्या पीते हैं, यानी कि यहाँ पर आप सबसे पहले यही लिखेंगे हम लोग, इस जगह पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले वही लिख लीजिए कि क्वेश्चन हम लोगों के सामने पूछा है तो क्या हम लोग क्या चीज पीते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों क्या, इस जगह पर कर देते हैं क्या चीज, यानी कि क्या चीज पीते हैं, तो आपको पता है कि हम लोग क्या पीते हैं तो पानी पीते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों पानी हो जाएगा क्योंकि पानी हम लोग पीते हैं। अब यही देखना है कि पानी को क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए पानी को यदि करा धूल को यहाँ से देखा जाए तो धूल को हवा और हवा को पानी और पानी को वृक्ष, यानी यहाँ पर लिखा है पानी को क्या कहा गया वृक्ष, इसलिए इस प्रश्न का आंसर पानी नहीं करके आप क्या कर देंगे दोस्तों वृक्ष कर देंगे, क्या हो जाएंगे वृक्ष हो जाएंगे, यानी कोट उसको पानी के बदले वृक्ष कहा गया, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। तो इस तरीके से करना होता है कि हम लोग क्या चीज पीते हैं तो पानी, लेकिन पानी को क्वेश्चन में क्या कहा गया है वृक्ष कहा गया, तो इस तरीके से आप इसको काट देंगे और इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे डी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यही वाला आंसर आ जाएगा सरासर गलत होगा, तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न का जो है सातवां नंबर क्वेश्चन दिया ब्लड रिलेशन से रक्त संबंध वाला, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, करें एक्स वाई की क्या है दोस्तों बहन है, ठीक है आगे हम लोग ले लेते हैं, यानी एक्स वाई की बहन है, फिर लिखा है जेड जो है वाई की माँ है, अच्छा इस जगह ले लेते हैं हो जाएगा, एक्स क्या है वाई की बहन है, तो बहन है यानी महिला जेंडर है तो उसके लिए माइनस लगाना है और पुरुष जेंडर रहेगा तो उसके लिए क्या लगाना है प्लस,
पहले का जेड जो है वाई की माँ है, यानी जेड इस जगह पर हमने ले लिया, इस वाई की क्या है दोस्तों माँ है, यानी महिला जेंडर के लिए माइनस का कि जेड जो है वाई की माँ है। पहले का डब्ल्यू जो है जेड का पिता है, यानी डब्ल्यू क्या हो जाएंगे दोस्तों जेड का हम लोगों का पिता हो जाएंगे, तो ये पुरुष जेंडर तो प्लस। फिर लिखा है डब्ल्यू जेड का पिता है, फिर भी लिखा है जेड का पति है, यानी भी क्या हो जाएंगे दोस्तों इस जेड का हस्बैंड वाइफ रहेगा, तो इधर से और मतलब देखिए हस्बैंड वाइफ रहेगा तो इसके बीच में ऐसे देते हैं हम लोग इधर से और इधर से थोड़ा ऊपर से लेते हैं कि ई इसका क्या हो जाएंगे पति हो जाएगा, अब पति पत्नी हो गया। इस तरीके से निशान को खाली समझ लीजिए कि कैसे कैसे। फिर लिखा है कि डब्लू का जो भाई है, तो डब्लू का भाई जो है एक्स का कौन लगा, तो डब्लू का कोई भाई होगा इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी डब्लू का कोई क्या है दोस्तों भाई है, यहाँ पर हमने कर दिया डब्लू का कोई क्या है भाई है, तो एक्स का कौन लगा यानी कि माँ और माँ का पिता और पिता का भाई क्या हो जाएगा दोस्तों नाना का भाई हो जाएगा, यानी देखिए ना एक्स का ई कौन लगेगा, यहाँ से पूछा है कि एक्स का डैश होगा तो एक्स का ई कौन लग जाएगा दोस्तों नाना का भाई हो जाएगा, सीधा सीधा रिलेशन पूछा गया, आपको घबराना नहीं है, साफ साफ दिया है कि एक्स वाई की बहन है, हमने एकदम वही लिखा एक्स वाई की बहन, फिर लिखा जेड वाई की माँ है तो जेड वाई का माँ कर दिए, फिर डब्लू जेड का पिता है तो देखिए डब्लू जेड का पिता भी कर दिए, भी जेड का पति है तो यहाँ पर पति पत्नी हो गया, तो डब्लू का भाई एक्स का कौन लगेगा, तो माँ का पिता का भाई कौन लगेगा नाना लगेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है, तो चलिए देख लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कैसे करेंगे या किस तरीके से हम लोगों को करना होगा जो कि आंसर हो जाएगा, तो चलिए देख लीजिए जैसे लिखा हुआ है कि एल यहां पर हो जाएंगे ए, फिर हम लोगों के सामने डब्ल्यू Y, E और R, तो देखिए इसका कोड उसने क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया है N लिखा है, C लिखा है, फिर Y लिखा है, फिर हम लोगों के सामने A लिखा है, G लिखा है और T लिखा है। इसी प्रकार से आगे देखा जाए तो कह रहा है कि डॉक्टर का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं दोस्तों डॉक्टर कर देते हैं, इस जगह पर क्या हो गया हम लोगों के सामने डॉक्टर हो गया। अब आपको सबसे पहले देखिए एल से एन पे जाना है तो कितना दो का वृद्धि, इसमें भी दो का वृद्धि, इसमें भी दो का, इसमें भी दो का, इसमें भी दो का, इसमें भी क्या क्या है दोस्तों दो दो का वृद्धि, तो सब में आप टू टू क्या कर दीजिए यानी प्लस दो का क्या करना है दोस्तों वृद्धि कर देना, तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा, एल में एन पे जाना है तो प्लस दो यहाँ पर क्या, उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो प्लस दो क्या, इसमें चलेंगे तो प्लस दो क्या, इसमें चलेंगे तो प्लस दो क्या, उसी प्रकार से इसमें करेंगे तो प्लस दो, इसमें क्या कर देंगे प्लस दो कर देंगे, तो देख लीजिए यहाँ भी वही करना है प्लस दो, इसमें भी आपका प्लस दो होगा, इसमें भी आपका प्लस दो होगा, यहाँ भी प्लस दो और इस पे भी प्लस दो और इस पे भी क्या करना है प्लस दो, तो डी के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे ई एफ, तो एफ से स्टार्ट होगा, ओ के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों पी क्यू, यानी एफ आएगा क्यू आएगा, तो देख लीजिए ये ऑप्शन तो है नहीं, फिर ये ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है, उसके बाद सी में दो लेटर कर देंगे तो क्या आ जाएंगे दोस्तों ई आ जाएगा, टी में दो लेटर कर देंगे तो क्या आ जाएगा भी हो जाएगा, ओ में दो लेटर कर देंगे और आर में कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप देख लीजिए कि कैसे सॉल्व करेंगे और क्या तरीका है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या आ जाए दोस्तों हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया है, कह रहा है कि रवि जो है सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो देखिए इसको बनाने से पहले एक बात हमेशा आपको जिक्र कर देंगे कि ऊपर में आपका क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है, ये फिक्स रहता है और नीचे आपका क्या हो जाएंगे दक्षिण हो जाएंगे, तो ये भी बात हम समझ गए कि दक्षिण हो गया, और ई साइड में आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों पूर्व हो जाएगा, और जस्ट अपोजिट में आपको यहाँ पर क्या करना है पश्चिम कर देना, इतना सा ही लिखेंगे बस, आपका आंसर इसी में निकाल देंगे हम। ये देखिए ये हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण और ई साइड में आपका पूर्व हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो गया पश्चिम हो गया। करे रवि जो है सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो मान के चले कि 4 किलोमीटर यहाँ से हमने चल दिया, यानी 4 किलोमीटर इतना सा चला, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर यानी कि यहाँ से यहाँ तक मुड़ गया, और कह रहा है कि 6 किलोमीटर चलता है, तो ठीक है 6 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता और 4 किलोमीटर, फिर से दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चल दिया, तो अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से पूछा है कि कितना दूर है, तो कैसे निकालेंगे यानी यहाँ पर अगर देखा जाए बहुत सारा क्वेश्चन यानी कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है,
तो यहाँ से हम लोगों का दूरी पूछा है ना, यानी यहाँ से ये प्रारंभिक बिंदु से इस तरीके से निकलेगा, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो इस तरीके से होगा। यदि इस तरीके से होने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, तो इसको यहाँ से आप ऐसे बना लीजिए, क्या कर लीजिए, यानी इसको अगर हम लोग यहाँ से और यहाँ से ऐसा कर देते हैं तो ऊपर में 6 है, तो ये भी हम लोगों के सामने क्या आ जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएगा, और इधर ये 4 है तो क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो 4 4 8 और 6। देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया, यानी यहाँ से इस तरीके से समकोण त्रिभुज, देखिए इसी तरीके से फिगर बनेगा, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का 4 4 8 हो गया, और ये वाला दूरी क्या हो गया दोस्तों, 6 हो गया। तो अब न्यूनतम दूरी निकल जाएगा, वही कह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या करते हैं कि 4 4 8 कर देंगे, जो सरासर गलत होगा। यहाँ पर पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से निकालने के लिए यहाँ पर पैथागोरस लगाना होगा। तो देखिए 8 6 है तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी वही फॉर्मूला 8 6 है तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन कैसे 10 होगा वही बात बताते हैं, यानी आपने पढ़ा होगा एक सूत्र हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर रॉबर्ट सूत्र, क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब हम लोगों के सामने हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर, तो 64 और प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 36 हो जाएगा, 64 प्लस 36 यहाँ पर कर दिए, और इधर आपका यहाँ पर सिर्फ कर्ण क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, तो 64 36 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जैसे ही कर देंगे 64 36 क्या हो जाएंगे दोस्तों, √100 हो जाएगा ना, √100 हो जाएगा, इसका मान क्या निकल जाएगा दोस्तों, 10 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का 8 आ जाएगा कि सर शुरुआती बिंदु से दूरी पूछा है, तो शुरुआती बिंदु से कर देते हैं ना 4 और नीचे इधर ले लेते हैं 4, तो वो दूरी निकल लेना, क्योंकि उसने कहा हुआ प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर, तो प्रारंभिक बिंदु से क्योंकि शुरू किया था और अंत किया है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 10 आ जाएगा। देख लीजिए हमने एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से आपके सामने रखा, और इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। जिसका जिसका 8 आ रहा है ऐसे ही गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखिए इसमें लगाना होगा पैथागोरस प्रमेय, जब तक नहीं लगाएंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि शुरू यहीं से किया था ना, आप देख लीजिए हमने शुरू यहां से किया और अंत क्या किया दोस्तों, इस जगह पर इसका अंत है, तो यहां से यहां तक दूरी निकालने के लिए इसी तरीके से चलना होगा ना हम लोगों का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अब हम बढ़ जाते हैं, ये होगा अंत बिंदु, ये इधर कर दिए। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, देखिए ये भी प्रश्न में बड़ा कंफ्यूजन करेगा, कह रहा है कि अपने घर से बाहर आकर टी सड़क के विपरीत तरफ पहुंचा, ठीक है, और दूसरी तरफ टी बाईं ओर मुड़ा और सीधे चला गया, तो टी यदि हम लोगों का दक्षिण दिशा में है तो टी किस दिशा में दक्षिण तरफ मुड़ा, इधर तो कह रहा है कि तो टी किस दिशा में दक्षिण तरफ, अब बताते हैं कि क्या क्या लॉजिकल है। यदि टी पहले तो यहाँ पर क्या कहा है, क्वेश्चन यहाँ से चालू होगा क्योंकि टी दक्षिण दिशा में है, तो आपको अभी बता चुके हैं कि ऊपर में आपका क्या होता है उत्तर होता है और नीचे आपका क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। इसके जस्ट अपोजिट में इधर पूर्व लेना है और इस साइड में आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों पश्चिम हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन पहले बना लेना है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि आपने कहा उत्तर किधर है पश्चिम किधर है, हम तो कन्फ्यूज कर जाते हैं ये पूर्व है ये पश्चिम, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बार बार लिखना है पी पहले टी क्या है दोस्तों दक्षिण में, तो मान के चलिए कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया ये दक्षिण में है, करेक्ट, टी दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण इधर ही आएगा ना, उसके बाद आप देखिए टी दक्षिण में है, कर अपने घर से बाहर आकर टी जो है हम लोगों का विपरीत दिशा में, देखिए यहाँ से क्या है क्योंकि अपने घर से बाहर आकर टी क्या क्या है दोस्तों विपरीत, घर अब किधर है नहीं वो तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन टी दक्षिण में था और करा कि घर से बाहर आकर टी सड़क के विपरीत में जाता है, तो विपरीत में किधर हो जाएगा, यानी जस्ट इसका विपरीत इस साइड में हो जाएगा, तो रुक जाइए यहाँ से बना देते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है कि टी हम लोगों का विपरीत में है, तो टी अभी अभी देखिए दक्षिण दिशा में है, फिर अपने घर से बाहर निकलकर टी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा यानी कि टी किधर हो जाएंगे दोस्तों, अब ई साइड में टी चला जाएगा, और उसके बाद कह रहा है कि टी बाईं ओर मुड़ता है, देखिए दूसरी तरफ पहुंचने के बाद टी क्या कर रहा है बाईं ओर मुड़ रहा है, तो बायां किधर हो जाएगा, अगर ऊपर जा रहे हैं तो टी बायां इस साइड में हो जाएगा, तो टी बाईं ओर मुड़ा और सीधे चला गया,
तो टी किस दिशा में है, यानी आप पूछा है कि तो टी की दिशा से दक्षिण की तरफ क्या है, तो टी की दिशा हम लोगों का अभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। अरे उसने कहा है तो टी दिशा से दक्षिण की तरफ मुड़ा है, यानी किस दिशा से मुड़ा हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम। देखिए एक बार यदि आप समझ गए तो आपका आंसर निकल जाएगा, फिर से हम बार बार इसीलिए बताना चाहते हैं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन होगा और गलती कर देंगे कि अपने घर से बाहर निकला, अभी हम कहाँ ले लेंगे घर, पूरब लें पश्चिम लें, तो समझ में आएगा। टी सड़क के विपरीत तरफ पहुंचा, ये भी नहीं कह सकते हैं, दूसरी तरफ पहुंचने के बाद टी बाई ओर मुड़ा और फिर सीधे चले गया, यहाँ पर मेंशन किया, लेकिन सब चीज़ उसने दिया गया है। सबसे पहले मेन बात उसका क्या है, यदि टी दक्षिण में है, यदि क्या कर रहा है दोस्तों, टी दक्षिण दिशा में है, तो आपको इस बात को हाईलाइट करना है कि यदि अभी टी कहाँ है, दक्षिण में है, तो टी हम टी को दक्षिण में ले लिए क्योंकि दक्षिणी साइड में होता है। उसके बाद यहाँ ले लिया, अब चलते हैं, अगर अपने घर से बाहर निकला और टी विपरीत दिशा में, टी क्या कर रहा है दोस्तों, दक्षिण में था, अब विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा इधर होता है। उसके बाद टी विपरीत दिशा में पहुंचा और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि टी बाई ओर मुड़ता है, तो दायां यानी बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में आपका बायां हो जाएगा, बाई ओर मुड़कर सीधे चला गया। यदि टी दक्षिण दिशा में हम लोगों ई तो हम ले लिए थे, तो टी किस दिशा से दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ था, तो टी किस दिशा से हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, बड़ा कन्फ्यूजन इसमें रहता है और गलती होना तय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, एक बार आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट करेंगे। देखिए उस पैटर्न का पहचान करें जो अगले का पालन करेगा, यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया है, वहाँ पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो वैसे तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों के सामने देखा जाए, फिगर को आप देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए दोस्तों, इसको पहले उठाइए, यहाँ इस कोना से था, इस कोना से क्या गया दोस्तों, इस कोना पे गया, इस कोना के बाद देखिए इस कोना पे गया। यहाँ पर एकदम ध्यान से देखिए कि हम लोगों का क्या हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलते रहा। देखिए ना यहाँ से फिर हम लोगों के सामने ये वाला गोले का निशान यहाँ पे गया, फिर अगला जो आएगा गोले का निशान क्या आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा, यानी गोले का निशान क्या आएगा, इस जगह पर। और इस जगह पर आने के लिए देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, सही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर अगर गोला है तो यहाँ के बाद देखिए गोला इस घर में गया, ठीक है, उसके बाद गोला यहां पर, अब इस पला को ले रहे हैं, गोला यहां पर गया, तो अगला बार में जो जाएगा तो गोले का निशान क्या आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा, एक गोला क्या आ जाएगा, इस जगह पर। अब उसको लेते हैं, ये वाला एक गोला तो ले लिए, अब ये गोला देखिए यहां पर था तो आगे में आगे बढ़ाया, यानी इस कोना पे ले गया, यहां से आगे बढ़ाया इस कोना पे, तो अगला में जो गोला जाएगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आएगा। यानी कि देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर वैसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। सिर्फ गोले को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, इस प्रश्न का आंसर आप आराम से कह सकते हैं कि डी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। क्या हुआ है, लॉजिक को आप देखिए कि ये दोनों जैसे किसी एक को उठाए, या तो इसको उठाए या तो उसको, जैसे हमने इसको उठाया तो ये वाला में यहां किया, फिर यहां पर आ गया, यहाँ के बाद आगे वाला में देखिए यहाँ पर क्या, तो यहाँ से आगे वाला में बढ़ाएंगे तो गोला क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा, तो गोला का जगह क्लियर हो गया, एक गोला यहाँ पर। उसी प्रकार से अंदर वाला जब गोला को आप देखेंगे, देखिए एकदम क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ के बाद इस पर गया, तो ठीक है, अगला वाला में गोला क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। तो वैसा देखा जाए, यानी कि इस तरीके से हम लोग देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। जिस तरीके से गोले का आकृति, अब आकृति बनाएंगे उतना समय है क्या, नहीं, तो बस आंसर कैसे निकल सकता है, क्या लॉजिक है, तो उसको देखना होता है, तो डी वाला को ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, भिन्न का मतलब होता है चार में से तीन समान है, एक अलग है, जैसे यहां पर शेर है, फिर चीता है, जिराफ है, फिर घोड़ा है, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़ा इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं घोड़ा पालतू जानवर है, यानी यहां पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, पालतू जानवर है, पालतू
जानवर है। तो क्योंकि घोड़ा आपको पता है कि ये पालतू जानवर, लेकिन बाकी देखिए शेर हो गया, चीता हो गया, जिराफ हो गया, तो ये पालतू जानवर के अंतर्गत नहीं रखते हैं, लेकिन घोड़ा क्या हो जाएंगे दोस्तों, पालतू जानवर के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर कन्फ्यूजन करने लगते हैं कि सर शेर है, चीता है, जिराफ, तो क्या करें। तो घोड़ा एक क्या हम लोगों का पालतू जानवर है, बाकी ये सभी क्या हो जाएगा, पालतू जानवर नहीं है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया गया है, और ये जो ईद के क्वेश्चन मार्क लगा है वहां पर 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा। तो चलिए एक बार करके देखिए तो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा और कैसे करेंगे, ईद की लॉजिक बताते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल। यहाँ पर जैसे उसने सबसे पहले क्या दिया है, 34 दिया है, कोमा का कोमा, इधर क्या लिखा है 18, फिर हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 10, उसी प्रकार से आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे कैसे लिखा होगा, 34 से यदि 18 पे गया है तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, ये देखिए भागा, इसमें पहले 2 कर दीजिए, 34 में भाग 2 कर देंगे तो क्या आ जाएंगे 17 आ जाएंगे, अरे 34 में 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 17, और 17 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 18। उसी प्रकार से 18 से इस पे जाएंगे तो आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, भाग 2 कर देंगे तो 18 में 2 से भागा देंगे 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10। उसी प्रकार से 10 से आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, भाग 2 करना है 5, और 2 से भाग देंगे 5, 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएंगे दोस्तों 6। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक देखिए किस तरीके से चला है, सीरीज को आपको समझना है तो लॉजिक को समझना होगा कि क्या चला है, भागा 2 प्लस 1, भागा 2 प्लस 1, भागा 2 प्लस 1, तो इस प्रश्न का आंसर 6 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहे 7:20 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कौन क्या है। तो देखिए इसका ट्रिक हमेशा कभी भी कौन वाला सवाल पूछा जाए, इस तरीके के कौन पूछा जाए तो एक ही ट्रिक है और उसी ट्रिक पे सबसे ज़्यादा बार सवाल आ जाते हैं। यानी ट्रिक क्या होता है दोस्तों, तो 60 गुना क्या कर देना है, एच कर देना, 60 गुना एच, अब माइनस क्या लिखना है 11m, ये क्या होता है 11m, अब बट्टे में क्या करना है 2 कर देना है, बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो एच का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एच सब कोई जानता है, एच का मतलब क्या होता है, घंटा होता है, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन एच का घंटा, और एम का मतलब क्या होता है, मिनट होता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं एम का मतलब मिनट। अब बता दीजिए यहाँ पर ये जो 7 घंटा है और 20 क्या है दोस्तों, मिनट है। तो चलिए अब सॉल्व कर देते हैं, यानी 60 हो गया बराबर, इधर अभी नहीं लिखेंगे इसको बाद में कर देंगे, यहाँ पर हो गया 60 अगुना एच, एच के जगह 7 हो जाएगा, एच के जगह क्या करना है 7, इधर 11 एम के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, अब बट्टे में क्या करना है 2 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं, यानी 6×7=42, तो इधर हो जाएगा 420, अब माइनस का माइनस 11×2=22, इधर 220 हो जाएगा, अब बट्टे में क्या करना है दोस्तों 2 कर देना, बस आपका आंसर हो जाएगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इस जगह पर एक स्टेप लिख देंगे आंसर, तो इधर हो जाएगा 0 और इधर भी 0, इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 हो जाएगा, तो यानी 200 बट्टे में 2 हो जाएगा, तो हम लोग काट पीट के कितना आंसर हो जाएगा, तो इसको कटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। ट्रिक हमेशा याद रखिए 60×h-11m/2, बस इसी पर बैठा देना, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, और इसका इस प्रकार से आजकल कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, 2-3 तो दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए सीमेंट को इस प्रकार से दिया, हाइट को इस प्रकार से दिया है, तो फादर का पूछा गया, तो आपको करना क्या है, एक का रिलेशन सबसे पहले निकालना, जैसे सी यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों ई, फिर हम लोगों के सामने एम, ई, एन और टी, बस एक का रिलेशन आप निकाल लीजिए कि इसको कैसे लिखा है, उसने क्या करने से हम लोगों का आंसर लिखा, जैसे ई उसके बाद लिखा है सी ओ, फिर लिखा हम लोगों के सामने सी, ई सी ओ सी, उसके बाद पी और आर, तो ठीक है यहाँ तक कर दे। अब उसी प्रकार से अब इसको चेक नहीं करना, इसको उतना समय नहीं कि चेक करें, अब सीधा चल जाएंगे हम लोग क्या फादर में, तो यहाँ पर ले लेते हैं एफ ए टी एच, और यहाँ पर हो जाएंगे ई, और क्या कर देंगे दोस्तों आर। अब लॉजिक देखिए, लॉजिक देखिए कोडिंग डिकोडिंग का, कि सी से यदि ई पे जाना है तो देखिए कितना लेटर, 2 लेटर, उसी प्रकार से इसमें 2 लेटर का कमी, इसमें 2 लेटर का वृद्धि, 2 लेटर का कमी, 2 लेटर का वृद्धि, 2 लेटर का, वही लॉजिक चलेगा। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, कभी कुछ जोड़ेगा, कुछ घटाएगा, तो कभी विपरीत कर देगा, तो कभी कुछ और कर देगा, तो उस तरह आपको समझना होता है। यहाँ पर उसने क्या कर दिया है, प्लस हम लोगों के सामने 2 कर दिया, और इसमें क्या कर दिया दोस्तों, माइनस 2 कर दिया, इस पर क्या कर दिया, प्लस
दो कर दिया, इस पे आपका माइनस दो कर दिया, इसमें आपका प्लस दो कर दिया, और इसमें क्या कर दिया माइनस दो। तो वही लॉजिक चलेगा, एक बार उसने प्लस दो किया है, एक बार माइनस दो किया है, एक बार प्लस दो किया है, एक बार माइनस दो किया है, एक बार प्लस दो किया और एक बार माइनस दो किया है। तो आंसर हो जाएगा एफ में जैसे ही दो लेटर करेंगे तो एच हो जाएगा, ए में दो लेटर घटा देंगे तो वाई हो जाएगा, टी में दो लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, ठीक है। एच में दो लेटर घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, और ई में दो लेटर कर देंगे जी हो जाएगा, और आर में दो लेटर घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा पी आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएंगे दोस्तों पी आ जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है एच वाई भी एफ जी पी, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, बड़ा कन्फ्यूजन और गलती होना तय है क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट सही कर पाएगा। हम पहले ही बता देते हैं कि 50% भी करना मुश्किल कर देगा क्योंकि ऐसा सवाल पूछा गया हमने प्रीवियस, सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर का है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर दिया कि समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठकों से है, तो ठीक है समाचार पत्र का संबंध अगर सामान्य पाठक से है तो उसी प्रकार से पेशेवर पत्रिका किससे संबंधित हो जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि सामान्य यानी कि समाचार पत्र का दिया गया है, समाचार पत्र का संबंध दिया है सामान्य पाठक, तो समाचार पत्र में क्या होता है दोस्तों देश दुनिया का खबर रहता है जो सब कोई पढ़ते हैं, देखिएगा पाठक। उसी प्रकार जो पेशेवर पत्रिका होता है तो पेशेवर पत्रिका क्या करते हैं दोस्तों उसको लेना ही पड़ता है, किस लिए लेना पड़ता है तो शोधकर्ता होंगे, तो इसीलिए शोध करने के लिए। एक पेशेवर का मतलब हुआ कि उसका पेशा ही है कि अखबार को लेना पत्रिका को लेना होगा, क्यों क्योंकि शोध कर रहे हैं तो उसके लिए उसको जरूरी हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा शोधकर्ता होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट किसी का ग्राहक आएगा, हम जानते हैं ग्राहक आ सकता है तो शिक्षित आ सकता है तो फिर हम लोगों के सामने तकनीकी आ सकता है, तो गलत गलत आंसर होगा ही होगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि समाचार पत्र का संबंध का सामान्य पाठक, तो समाचार पत्र में क्या होता है कि देश दुनिया का खबर रहता है जो सामान्य पाठक यानी जनरल सब कोई लेते हैं। उसी प्रकार से पेशेवर का मतलब उसका काम ही है कि पत्रिका लेना ही लेना है, तो क्यों लेगा तो हम लोगों का उस शोधकर्ता से संबंधित हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्योंकि शोध करने के लिए यानी जानकारी एकत्र करने के लिए क्या है नहीं तो उपेशेवर पत्रिका, तो इस प्रश्न का आंसर सी दिया है क्योंकि हमने सब क्वेश्चन का आपके टीसीएस पैटर्न से लिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का आंसर सी दिया था और सी ही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो चलिए एक तरीके से श्रृंखला ही है, आपको पता है कि अलग अलग तरीके के एग्जाम में अलग अलग सवाल पूछे गए हैं, तो एक्स ई उसी प्रकार से जे और टी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है दोस्तों यू, फिर हम लोगों के सामने एच लिखा है, एम लिखा है, बस दो तीन लेटर आप चेक कीजिएगा, दो लेटर में ही आंसर कर देते हैं। उसी प्रकार से लिखा है ओ, फिर हम लोगों के सामने एन, फिर लिखा है एस और क्या लिखा है दोस्तों के, अब उतना बड़ा नहीं, यहीं तक आप लिख लीजिए, क्या इसको लिखना जरूरी है, तो लिख देते हैं एल क्यू वी एच, आप लिख भी सकते हैं अन्यथा नहीं भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन मार्क के जगह मेन होता है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर आप आ जाइए। एक्स ई देखिए यू पे जाएंगे तो एक्स के बाद यू के बाद हम लोगों को कितना लेटर इस पर घटाया होगा, देखिए ना तीन लेटर का कमी कर दिया उसने, क्या किया दोस्तों तीन लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे इसमें तीन लेटर का कमी कर देंगे, तो जैसे ही तीन लेटर का कमी कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा, और आर में जैसे ही आप तीन लेटर का कमी कर देंगे तो आपका क्या आ जाएंगे दोस्तों ओ हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ तक। उसी प्रकार से ओ में आप तीन लेटर कर देंगे दोस्तों तो एल हो जाएगा, उतना दूर चेक करना भी नहीं क्योंकि समय कम रहता है और आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर लाना है। उसी प्रकार से ई से आप क्या करेंगे दोस्तों एच पे चलेंगे, तो अब प्लस तीन क्या इस बार प्लस तीन क्या, तो यहाँ आप क्या कर देंगे दोस्तों प्लस तीन कर देंगे, एच में जैसे ही प्लस तीन कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आर, और हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों के आ जाएगा, तो यहाँ तक ले लिए। और के में जैसे ही आप प्लस ये देखिए के से आप जैसे ही प्लस तीन कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा, और एन में जैसे ही आप प्लस तीन कर देंगे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा। तो उसी तरीके से ध्यान में देखते हुए और एक लेटर करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा तो करना है नहीं। जे से यदि एम पे चलेंगे तो यहाँ भी उसने क्या कर दिया दोस्तों प्लस तीन किया है, इस जगह पर भी उसने क्या किया है प्लस,
यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, प्लस तीन क्या हुआ है, ठीक है। और उसी प्रकार से m में आप क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस तीन कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, p आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएंगे दोस्तों, p आएगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो देखिए प्लस यहाँ पर क्या क्या है, तीन क्या है, और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो हम लोगों के सामने यहाँ भी तीन हो जाएगा। तो इतने में आंसर हो गया यानी कि आर के पी से। अब स्टार्ट देखिए कहाँ से हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही हो रहा है। अब उतना लेटर आखिरी वाला नहीं भी चेक कीजिएगा क्योंकि आर के पी से यही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, बाकी इधर आर के क्यू कर दिया, ये होगा नहीं, ये सब तो मिलवे नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।